हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैस्मिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में हम डीप वाटर एक स्टोरी का समरी करेंगे। यह स्टोरी जो है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे वोकैब को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ, तो यहाँ से आप लोग अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी, समरी ऑफ डीप वाटर। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और एक लाइक जरूर से कर दीजिए। सो शुरू करते हैं आज का लेसन द डीप वाटर। विलियम डगलस, अ रेनॉन ऑथर, शेयर्स हिज पर्सनल एंड हरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ नियरली ड्राउनिंग इन द स्विमिंग पूल एट द टेंडर एज ऑफ 10 or 11। विलियम डगलस एक प्रख्यात ऑथर, लगभग 10 से 11 के एक नाजुक उम्र में स्विमिंग पूल में एक लग डूबता हुआ दुखदायी अनुभव को और की व्यक्तिगत अनुभव को स्टोरी में शेयर करते हैं। दिस ट्रोमैटिक इवेंट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, लिविंग एन इनडेलिबल मार्क ऑन हिज साइकी एंड लीडिंग टू अ डीप सीटेड फियर ऑफ वाटर दैट लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स। ये एक दर्दनाक घटना उसके लाइफ में एक बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये जो घटना था एक इनडेलिबल मार्क था उसके मानसिक पर, उसके मेंटेलिटी पर, और उसके दिमाग में सालों सालों तक वाटर का एक डीप सीटेड फियर, गहरा फियर के मेंटेलिटी पर रहता है और जो कभी ना मिटने वाला है। इनडेलिबल का मतलब अमिट, ठीक है, अमिट मीन्स कभी ना मिटने वाला एक मार्क, एक छाप उसके साइकी पर रह जाता है। द इंसिडेंट अकर्ड व्हेन अ लार्जर बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल कॉजिंग हिम टू सिंक टू द बॉटम। ये घटना तब घटित हुआ जब एक बड़ा लड़का उसे पूल के एक गहरा एंड जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है वहां पर फेंक देते हैं और उसे पूल के बीचों बीच डूबने के लिए छोड़ देते हैं। डॉगलेस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस मार्क्ड बाय अ सेंस ऑफ सफोकेशन, पैरालिसिस एंड हेल्पलेसनेस लेफ्ट हिम विद अ लास्टिंग फोबिया ऑफ वाटर। डॉगलेस की एक ये भयानक एक्सपीरियंस जो रहा है, सफोकेशन मीन्स घुटन, पैरालिसिस पक्षघात और हेल्पलेसनेस मीन्स बेवशी, ये तीनों चीज से चिन्हित है, मार्क्ड है, और ये तीनों चीज के दिमाग में एक पानी का कभी ना मिटने वाला एक फियर उसके माइंड में रह जाता है। डिस्पाइट हिज फियर डगलस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम इट एंड लर्न टू स्विम। उसके फियर होने के बावजूद भी डगलस ने ठान लिया कि वो इस फियर को ओवरकम करेंगे, पूरा काबू में पाना, ठीक है, ओवरकम करना मीन्स, और उसने तय कर लिया कि वो तैरना सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर ही बिगेन टू कन्फ्रंट हिज फियर, ग्रेजुअली बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स इन द वाटर। इंस्ट्रक्टर के हेल्प से उसने अपने फियर पर काबू पाना शुरू कर लिया, धीरे धीरे पानी में कॉन्फिडेंस और स्किल्स को पानी में बनाना शुरू किया। थ्रू दिस प्रोसेस ही गेन्ड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पावर ऑफ फियर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेसिंग इट हेड ऑन। इस प्रोसेस में उसने फियर की पावर को उसने समझ लिया और इसको आमने सामने फेस करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, इस चीज को भी उसने समझ लिया। डगलस जर्नी वॉज नॉट ईजी एज ही हैड टू कंटेंट विद रेजिडुअल डाउट एंड फियर्स, बट ही परसिवर्ड ड्रिवन बाय अ फायर्स डिटर्मिनेशन टू ओवरकम हिज फोबिया। डगलस का ये जर्नी आसान नहीं था, उसे रेजिडुअल डाउट्स मीन्स शेष संदेह, जो बचा खुचा डाउट है, ठीक है, उसको और फियर के साथ उसे संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन ही परसिवर्ड, वो लगे रहे, ठीक है, और ड्रिवन बाय अ फायर्स डिटर्मिनेशन, वो लगे रहे एक प्रबल निश्चय के साथ उसकी डर को ओवरकम करने के लिए, काबू पाने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।